सिक्किम अनि दार्जिलिङका गोर्खाहरूको निम्ति जनजाति मुद्दाको निम्ति केन्द्र सरकारले गठन गरेको नयाँ समिति हिजो दार्जिलिङ आइपुगेका थिए। उक्त दार्जिलिङ आइपुगेको समितिले आज गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अध्यक्ष विनय तामाङसित भेटवार्ता गरेका छन्। उक्त भेटवार्तापछि समितिले गोर्खा 11 जात गोष्ठीका प्रतिनिधिहरूसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। आज उक्त भेटवार्तापछि समिति फिल्ड भिजिटको निम्ति बिजनबारीतर्फ लागेका थिए। ट्राइबल कम्युनिटी के जो इस्यू पे अभी तक 3 कमेटी बन चुका है। तो पहले अशोक पाई कमेटी 1 मेंबर कमेटी था और उसके बाद में विश्वमयनी कमेटी 3 मेंबर्स था। और विश्वमयनी कमेटी ने तो फिल्ड विजिट भी किया था सिक्किम और दार्जिलिंग में, और सारा का सारा पेपर्स रिलेटेड पेपर्स हम लोगों ने जमा किया था। लेकिन इसके बावजूद अभी मीरा रंजन छिरिंग जो मैराम के चेयरपर्सन में 3 मेंबर्स कमेटी बन गया, जो रिसेंटली ऑन 7th of January सिक्किम चला गया था। सो कल रात 9th इवनिंग वो दार्जिलिंग आ गया है ये कमेटी, और आज सुबह एडमिनिस्ट्रेटिवली लालकोटी में हमारा हम लोग का साथ में भी बात हो गया। उसके बाद में 11 कम्युनिटी के जो हेड है उनका साथ में उनका मीटिंग हो गया। नाउ अभी फील्ड विजिट के लिए बिजनबारी गया है। सो सारा का सारा हम लोग ने रिपोर्ट दे दिया है। लेकिन एक इश्यू पे हम लोग ने मैंने भी इसको हाईलाइट किया, और 11 कम्युनिटीज़ का जो भी हेड्स है उन्होंने किया कि अभी तक कमिटी ने जो रिपोर्ट है एज फार एज रिपोर्ट इज कंसर्न, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने तो रिपोर्ट भेज चुका है, सिक्किम से भी भेज चुका है, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया में दूसरा स्टेट से ये नहीं आया है। तो वो इसके बावजूद एक तो टेक्निकल पॉइंट ये है कि RGI जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड ये NCTS जो नेशनल कमीशन फॉर ट्राइबल है वो उनका पास होना ज़रूरी है। उसके बाद में कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में जाने के बाद में पार्लियामेंट में बिल के लिए आ जाएगा। लेकिन अभी तक RGI ने 2 बार प्रपोजल रिजेक्ट किया है। तो ये हमारा क्यूरियोसिटी था, और ये इस इश्यू पे हम लोग ने बात की है, लेकिन RGI उनका परव्यू में नहीं है। तभी भी हम लोग ने बोला कि RGI में क्या रिजेक्ट जो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है उसका कारण क्या है। तो इस पर हम लोग इरेवोकेबली डिस्कस किया है। तो मैंने एक लेटर दिया है उनको कि आपको ये जो विजिट है अभी हो गया है तो उसका रिपोर्ट विद इन 2 वीक्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल को दे दें, ताकि ये बिल जो विंटर सेशन में नहीं आया था तो बजट सेशन में आना चाहिए। तो बजट सेशन ये प्रीपोन्ड हो के बिकॉज ऑफ इलेक्शन प्रीपोन्ड होके 31st of January से 13th of February। सो विद इन दिस बजट सेशन अगर हम लोग का 11 कमेटी का पास हो गया तो ये हम लोग के लिए बहुत खुश का खबर होगा, और अगर नहीं भी किया तभी भी नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आएगा उनका साथ में हम लोग बातचीत करेंगे, ये काम करेंगे। अगर बजट सेशन में भी नहीं हुआ तो फिर तो बजट सेशन में नहीं होगा तो ऐसा है कि उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। तो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगा वो हम लोग करेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से भी पूरा सहयोग मिलेगा इसमें।